हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं टमाटर। आप लोग देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड मैं आज आप लोग देखूंगा आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें, और फ्रेंड इसके साथ आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक हुआ कि नहीं, इसका स्टेटस कैसे देखें, वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कैसे किया जाता है। और फ्रेंड मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करके उसकी स्टेटस देखने के लिए पहले आपको कोई ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको लिखना है incometax.gov.in। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ incometax। मैं यहाँ पे लिख दिया incometax.gov.in। आप लोग भी ऐसे ही लिख दीजिए। मैं आप लोगों को इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग को भी ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको एंटर कर लेना है। मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा, यह पे आपको नीचे जाना है। आप नीचे जाइए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें से क्लिक करके आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। और इसकी स्टेटस देखने के लिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है लिंक आधार नाउ अबाउट योर आधार पैन, इसमें क्लिक करके आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक स्टेटस देख सकते हो। तो फ्रेंड पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे करें। इसके लिए आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है लिंक आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा, यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, नीचे में आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको फिलअप करके। मैं पहले इसको फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये देख लीजिए, मैं फिलअप कर लिया। अभी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहले अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। मैं पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे में आधार कार्ड का नंबर डालना है। मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे लिखा है नेम एज पर आधार, अपना आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को यहीं पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर यहीं पे डाल दीजिए। और फ्रेंड अब एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लेगा उस मोबाइल नंबर आपका पास होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को नेक्स्ट पेज में डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको टिक मार्क कर देना है। मैं टिक मार्क कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यह जो आधार लिंक आधार पर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। आपका मोबाइल में जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को ए पे डाल दीजिए। मैं ए पे डाल देता हूँ। मैं ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आपको यह जो वैलिड डेट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। वैलिड डेट पर क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा है आधार पैन लिंक कम्प्लीटली सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया। और फ्रेंड आप लोगों के सामने और एक दूसरा मैसेज भी आ सकता है, उस मैसेज को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो क्या मैसेज है। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने ऐसा भी एक मैसेज आ सकता है। इस मैसेज पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा नहीं है। इस मैसेज का रीजन ये है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, मगर और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई के लिए भेज दिया है, और वेरीफाई होने के बाद ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सक्सेसफुल होगा। और इसके लिए 48 आवर्स का टाइम चाहिए, इसको 48 घंटे की टाइम लेते हैं। तो फ्रेंड ऐसा मैसेज आने से आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो फ्रेंड ये पे ओके कर दीजिए। तो फ्रेंड अभी हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी हमको अभी इस आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ कि नहीं हमको चेक करना है। चेक करने के लिए
हमको फिर से ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे जाके आपको लिखना है incometax.gov.in, ऐसे आपको लिखना है incometax.gov.in, इसके ऊपर आपको एंटर कर देना है। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे जो ये थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों, देख लीजिए थर्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे आपको नीचे में अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। मैं आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो व्यू लिंक आधार स्टेटस लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक मैसेज आएगा, ये मैसेज आने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सक्सेसफुल हो गया है। और फ्रेंड, और एक दूसरा मैसेज भी आ सकता है, उस मैसेज को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और फ्रेंड, आपका सामने ये मैसेज भी आ सकता है, इस मैसेज का रीजन ये है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई में भेज दिया है, अभी उसको वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई कम्प्लीट होने के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको दौड़ने की बात नहीं है, ऐसा मैसेज आने से आपको डरना नहीं है। और फ्रेंड, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई चीज मिसिंग है, मान लो आपका नेम या आपका डेट ऑफ बर्थ कोई गलत है, तो मिसिंग होने पर आपका सामने दूसरा मैसेज शो हो जाएगा, उस मैसेज को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसा एक मैसेज आएगा, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पे कोई मिसिंग होने से, मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आपका क्या मिसिंग है और उस मिसिंग को आप सुधार कर सकते हो। आप ऑनलाइन में भी जाकर इसको सुधार कर सकते हो, यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन भी कर सकते हो या उसके ऑफिस पे भी जाकर आप लोग कर सकते हो, इसको करना जरूरी है, तो आप लोग कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर लीजिए, उसके बाद आप उसका स्टेटस देखिए। तो फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और फ्रेंड, ऐसा ही नॉलेज वाला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।